हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ही पति पत्नी ऐसे ही नोटबुक लेके क्या हिसाब किताब करने के लिए बैठे हैं हमारे साथ। तो गाइस, आज आप लोगों के साथ कोई हिसाब किताब नहीं होगा, आज इधर इधर होगा चैलेंज। और चैलेंज कुछ ऐसा होगा कि मैं देखना चाह रही हूँ कि विशाल जी को भी मैं याद हूँ क्या नहीं, मेरी चीज़ें याद हैं क्या नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही इन्होंने भी कुछ हम लोग पूछेंगे एक दूसरे से क्वेश्चंस, और हम लोग गेम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति और पति। तो गाइस, कुछ ऐसा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी इच्छा से इस नोटबुक में लिख लिए हैं जो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, और इन्होंने इस पेज में लिख लिए हैं जो ये मेरे से पूछेंगे। और फिर देखेंगे कौन किसके बारे में अभी तक कितना जानता है। इतना टाइम हो गया हम लोगों को एक साथ, तो शादी को तो अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, बट वैसे तो हमें काफ़ी टाइम हो ही चुका है एक दूसरे के साथ। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि विशाल जी कहीं भूल तो नहीं गए हैं चीज़ों को। तो बताओ विशाल जी, आप भी कुछ मेरी अभी पता चल जाएगा। और तो गाइस, कि आप लोग डिसाइड कर लो आप किसकी तरफ हो और किसकी तरफ नहीं हो। मेरी तरफ जो जीतेगा वो नहीं नहीं गाइस मेरी तरफ है। तो शुरुआत मैं करती हूँ, और जब भी मैं जीतूँ ना तो वाह 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 करते रहो, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन, मुझे किस तरीके की मूवी देखना अच्छा लगता है? मूवी तो रोमांटिक ही देखती है, और घूमने के लिए तो कोई मूवी देख सकती है। सही। तो गाइस, ये क्वेश्चन इनका सही था, बाकी ये मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा आसान सवाल पूछ लिया। तो मुझे हिंदी मूवी और रोमांटिक मूवी अच्छी लगती होती हैं, लड़कियों को लगभग यही पसंद होती हैं। ये तो इन्होंने ऐसे ही गैस कर लिया हुआ। आप बताइए। इनकी मेरी कोई कमजोरी एक हो तो बता। एक तो बता। कोई एक खास गाइस, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी मैं बताती हूँ, ये मीठा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। तो क्या मैंने सही बोला? सही। ये इतना मीठा खाते होते हैं, चैन को सुबह भी मीठा दे दो, दोपहर में भी मीठा दे दो, और रात को भी मीठा दे दो। और अब अगर इनको नहीं मिलता तो ये अब शेक के अंदर अपना मिठास पूरा डाल देते हैं उसके अंदर। तो ये ऐसे करते हैं, का ध्यान अपने फोन में है गाइस। तो एक एक हो गया, एक क्वेश्चन मेरा और एक क्वेश्चन आपका, हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं अभी तक। तो अगला क्वेश्चन, फ्री टाइम में मुझे क्या करना पसंद है? इतना बंदोसा इसका जवाब तो ये भी दे देंगे क्या? हाँ। बता दो। बस YouTube, Instagram, वीडियो बना दी, मैं तंग कर लिया, पकड़िए फोन, बस। कदे मम्मी नहीं कहती फोन पकड़ियो, कदे उड़ा दता दिया, कदे उड़ा वो कर लिया। ये टैलेंट है मेरे, इस टैलेंट के लिए आप मुझे शाबाशी दें। गाइस, तो मुझे फ्री टाइमिंग में शॉर्ट्स बनाना, इंस्टाग्राम चलाना ये पसंद है, और आजकल सबको यही पसंद होगा गाइस। मम्मियों को भी लगभग यही चीज़ है कि काम हो गया, यूट्यूब चला लो, कुछ खाना बनाना सीख लो। और मेरी जैसी लड़कियाँ जो थोड़ा बहुत एक्टिंग वैक्टिंग जानती हैं, वो शॉर्ट्स बना लेती हैं। तो ये इनका बहुत सही था, ये जीत गए हैं 2 पॉइंट और मैं अपने जीतती हूँ 1। और इनका अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन मेरा बताएगा तेरी यादास का। पहली बार मिले थे, डेट पे गए थे, कुछ टाइम के खाया था पार्क में।
इतना टच्चा था क्वेश्चन गाइस। यस बता गाइस, चलो मैं गाती हूँ मेरे पति के बारे में। हम लोग कभी भी कुछ खाने जाया करते सबसे पहले ये कि हेल्दी चीज़ें खानी है, और पार्क के बाद हम लोगों ने पिया था नारियल का पानी, तो क्या मैं ठीक हूँ? शाबाशी शाबाशी गाइस, देखा टफ क्वेश्चन देख लो इनके, इतना दिमाग लगा लगा के क्वेश्चन बनाए गए हैं, दो दो पॉइंट हो चुके हैं हमारे। और ये रुक जाओ, इनका दिशाई सच्चाई गाइस कुछ ऐसा था कि हमेशा ये मुझे गन्ने का जूस शेक और नारियल पानी बढ़िया चीज थी ना, लगभग नारियल पानी मीठा नहीं था और गन्ने के जूस में मीठा और उसमें भी मीठा 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 मीठा। कौन सा सीजन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है? सबने सर्दी लाग गए तन तो भी लाग गए। Why? फास्ट फूड घना खाया जाओ, सर्दियों में गर्मियों तो भाव में नहीं था सर्दियों तो सूढ़िया जाओ सही। तो गाइस लगभग सर्दियां सब कुछ लगती है, गर्म गर्म दिन भी आओ अपना, तो और दोनों के बर्थडे भी तब सर्दियों में आते हैं, तो इसलिए गाइस मुझे सर्दियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अपना रजाई में बैठे बैठे खाई जाओ और मजे किए जाओ और अच्छा गरम गरम खाओ। बूंद मेरे को मीठे में सिर्फ बूंद अच्छा लगता है, और काजू कतली और मोती चूर के लड्डू, तो बूंद तो मैं खाती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे सॉन्ग पसंद है? गाइस ये इनका मूड चेंज कैसा भी हो, उदास हो या खुश हो या फिर कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो रास्ते में, तो ये सैड सॉन्ग सुन के राजी हैं, और इनके सॉन्ग को सुन के ऐसा लगता है कि इनका किसी ने दिल तोड़ दिया हो। ये कुछ ऐसा हुआ था क्या बता दो आज? तो या तो बोल, फिर सैड सॉन्ग क्यों सुनते हो? तो मेरे क्वेश्चन सही था ना, आंसर सही है ना, ये दुख भरे सॉन्ग सुनते हैं। अब मेरी पारी, तीन तीन क्वेश्चन, अब बताना अगर मेरी कोई लॉटरी लग जाए और मैं हो जाऊँ करोड़पति, तो मैं क्या करूँगी उन पैसों का? धक्के धक्के क्या? घूमना मतलब है। अच्छा पासपोर्ट तो तेरा बन नहीं गया इंडिया इंडिया में। तो गाइस अगर आप लोगों की भी लॉटरी लग जाए तो इंडिया टूर, मेरी लॉटरी तो नहीं कब लगेगी, लगेगी क्यों नहीं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी मुझे घूमना सच में अच्छा लगता है, और लॉटरी लग जाएगी तो उसके बाद क्या पता मेरा दिमाग भी चेंज हो, क्या पता मैं सेव कर लूँ पैसे, ज़रूरी नहीं है कि मैं घूमूंगी, तो क्या पता मैं अकेली घुमाऊँ पैसे से। देखना बाहर बैग लेके तो नहीं खड़े हैं लॉन्ड्री वन इतने बड़े बड़े बैग लेके पैसा भर भर के आए। बताओ आप बताओ मेरा नंबर आ गया। फूड बताओ, फूड कैसा खाना? अरे मीठे से बाहर कभी निकले हो ना? क्यों गाइस इनको पसंद है खीर और चूरमा, तो क्या हम सही है? बिल्कुल सही है गाइस, यही खाना होता है और एक अड़ंग बड़ंग खा लिए। इनको कुछ नहीं पता है जंक फूड में खाने में क्या तंदुरुस्ती क्या मन खुश होता है। इस गर्मी में तुम्हें लगी हुई ज्यादा ही, तीन मुझे अब तो शांति है थोड़ी सी। मेरा क्वेश्चन मुझे बताओ ना, आप खाने में क्या पसंद? जंक फूड। स्प्रिंग रोल, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज,
ये है बिल्कुल, मुझे यही सब चीज़ें पसंद है। और इनके बाद गोलगप्पे और स्प्रिंग रोल और मोमोज रहेंगे, तो वैसे इनको ये सब पसंद नहीं है और मुझे ये सब पसंद है। हमारी ये ही मैच नहीं करता, इनको मीठा ज़्यादा पसंद है और मुझे नमकीन शुद्ध देसी खाना। सचमुच ये अब भी ऐसे ही है और ये पहले भी ऐसे ही, मुझे लगा था ऐसे इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं मैं जंक फूड नहीं खाता, ये सच में ऐसे हैं। तो अब आप पूछिए मुझसे क्वेश्चन। मेरा नंबर है यस मन गिफ्ट दिया था देखिए सारे हम पहले याद है याद है बता याद है मैं मेरी पहले पीठ थपथपाओ बता <मैं। laughs> हाँ वही था गाइस, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, ये अपने मामा के मेले में गए थे, किसी मेले में गए थे मामा के ना, ये एक अपने मामा के गांव में मेला था इनका, तो उसमें गए थे ये और वहाँ से ये मेरे लिए कीरिंग लेके आए थे, दो कीरिंग लेके आए थे, जिसमें से एक कीरिंग तो था वो गिटार वाला, उसके ऊपर एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को पकड़ के खड़े थे, और एक था वो चावल वाला जिसके ऊपर स्वाति लिखवा के ये लेके आए, तो चावल वाला थोड़ा जल्दी टूट भी गया था मेरा, फिर टूट तो यार वो जाए कांच का था और फिर ये बस तोड़ दिया, मैंने इतनी प्यार से लेके आई थी, लेके आया था ये वो, सबका टूट जाता होता है वो, और वो तो शायद हमारे घर अब भी रखा है गिटार वाला। क्यों ले आता मैंने तो बता, क्यों लाए थे मतलब मैं तो किसी के लिए आता कह के इसको सत्ता काटते छुट्टी की तब भी उस टाइम ना मेरी और अब भी नहीं है स्कूटी की गद्दे की टेपड़ी बांधी क्लास में मेरी स्कूटी की चाबी ना ऐसे पड़ी रहा करती, तो ये मेरे लिए दो लेके आए थे एक भी नहीं दो, और वो मैं कुछ एक बार डाला था स्कूटी की चाबी में डलती है तो टूटा था वो ऐसे ही बड़बड़ ये लग गया स्कूटी के साथ साथ, और कांच का था वो टूट गया। और गाइज मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो अब ये बताओ मेरा लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा डर मुझे किस चीज़ से लगता है? इतना टुच्चा क्वेश्चन, बताओ बताओ कॉकरोच इससे सबको डर लगता होता है गाइस सच में, और पता है हमारे यहाँ पे ये पता है मैं बताऊँ मुझे प्रोटीन की कहानी, मुझे ये इन्होंने सही बोला मुझे छिपकली और कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर लगता है, और यहाँ अब मैं यहाँ गई हूँ तो यहाँ पे छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इधर रूम में नहीं है पर उधर की तरफ जो मतलब है हमारा उधर का उधर की तरफ, अब भी जाके मैं आपको दिखाऊँगी ना गाइस 15 छिपकलियाँ एक लट्टो के पास ऐसे मंडरा के खेलेंगी, मैं शाम को 6:30 बजे के बाद उधर बिल्कुल भी नहीं जाती, ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ आएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, और जब भी कभी ऐसे बाई चांस मैं कपड़े उतारने या फिर मम्मी मुझे बुला ले तो मैं चली जाऊँ तो ये ऐसे ही छिपकली छिपकली मैं इग्नोर भी करने की कोशिश करूँ ना कि उनको ना देखूँ तो भी सोचेंगे कि ऐसे वहाँ छिपकली भगाऊँ उनको दे तरफ लाऊँ दे तरफ लाऊँ, तो मैं उधर जाती ही नहीं हूँ, और ये सब ज़्यादा मुझे डराते ये गलती को बचाना चाहिए छिपकलियों से भी, पर हमेशा हर जगह पे कहीं पर थोड़ा सा दे रहा होगा तो छिपकली और मैं वही चिल्ली मार बस सब सही बता दिया बिल्कुल। तो गाइस मेरे पति देव तो मुझे अच्छे से जानते हैं, हाँ आपको तो याद है मेरा लास्ट क्वेश्चन अभी भी रह गया था। अच्छा पूछो। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट टाइम जब मिले थे तो मैंने कौन सी शर्ट डाल रखी थी? शर्ट पहन गए थे शर्ट पहन गए थे आ गया याद, वो बच्चों के क्या बोलते हैं कोई कलर समझ में ना आए तो क्या बोलते हैं बेबी पिंक
पर नहीं वे मुझे याद है, मैं तो ऐसे बता रही हूँ, फोटो भी है वो। नहीं मैं को याद है बेटा, मैं बता तो रही हूँ। मैं पेन, मैं नहीं, आप पेन कह रहे, वाइट कलर की शर्ट, वाइट वाइट थी तो इतनी बता, आप बच चुकी थी, मेरी कौन थी और बता तो किसकी थी और किसी की बता, मुझे क्या बता, मेरी कौन थी बस भाई। एक तो मुझे जाननी ग्रे होगी तो पर्पल थी, पिंक ग्रीन तो कौन सा कलर, ऑरेंज। हाँ बच चुकी थी, मेरी भी कौन थी। हाँ बच चुकी थी, मुझे नहीं पता बताओ। सत्या की थी, कौन सी बुला रही है, बच चुकी आई हो। हाँ हाँ गाइस पता है उस टाइम पे ना मैं इनको बहुत कहा करती थी ना, ये मुझे चेक चेक टी शर्ट ज़्यादा पसंद है, और अब भी ऐसा ही है कि हम लोग को पढ़े लेने जाते हैं तो चेक टी शर्ट मैं इनको मैं इनको यही कहती हूँ कि चेक टी शर्ट ले लो, चेक टी शर्ट आप पे अच्छी क्या, तो बिल्कुल सिंपल हो, कोई प्रिंट ना हो, क्या हो चेक, मुझे यही पसंद है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा चेक टी शर्ट हो जाएंगी तो फिर भी मुझे दुकान में जाकर चेक ही अच्छा लगता है। बट अब मुझे याद आया कि हाँ ये इनका एक दोस्त है, उसकी शर्ट पहन के आए थे जान पूछ के कि भाई ये फूलों वाली थी तो भाई क्या पहन क्या कहेगी ये, तो मैंने उस टाइम तो कुछ भी नहीं कहा, नया नया था तो मुझे लगा नहीं अच्छी लग रही है अच्छी लग रही है। फिर मैंने जब थोड़ा सा ज़्यादा गुल मिल गए तो मैंने बोला, मैंने कहा वो शर्ट तो कैसी भी नहीं थी, अब मुझे याद आया। बाकी अच्छी थी सत्या, अच्छी थी शर्ट, अगर वो हमारा व्लॉग दिख रहा है तो ऐसी शर्ट तो मैंने कहीं नहीं देखी जैसी सत्या के पास है। तो गाइस हमारा ये जो क्वेश्चन आंसरों का जो ये सिलसिला है ये यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग दोनों ही बन चुके हैं करोड़पति। कोई नहीं, मैं लख पत्नी और आप करोड़पति। तो ये था हमारा आज का, ओके गाइस गुड नाइट। सो द टाइम देख, क्या टाइम है, 11 बज चुके हैं गाइस, तो अब हम लोग सो जाते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के पास अपनी फैमिली के पास कमेंट करें। और अगर आप लोगों को हमारे बारे में कुछ जानना है तो भी आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, हम लोग अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो आप ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री राम।